हमें कोशिश करना चाहिए, जो ये करते हैं उसे थोड़ा हट के हमें रहना, थोड़ा भूल जाओ। किसी ने बुरा कहा है थोड़ा भूल जाओ, किसी ने कुछ हमारे साथ करा है वैसा करने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें स्पिरिचुअल संसार ज्वाइन करे हो, तुम स्पिरिचुअलिटी के लिए आए हो, ईश्वर के लिए, उससे मिलने के लिए आए हो, तो फिर थोड़ा उससे हटना पड़ेगा, उसको थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ने में मदद देती है डिवाइन बाबू महाराज का डिवाइन ट्रांसमिशन। हर चीज में जैसा आप बनना चाहेंगे वैसी मदद देती। लेकिन वही बाबू जी महाराज ने कहा कि मदद जो मैं आया हूँ वो तो मैं देके ही जाऊंगा, सर्विस करने के लिए जो भी शक्ति में आया हूँ वो तो मैं सबको देके ही जाऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी ये देखूँ कि आदमी कितनी जल्दी डेवलप होना है, कितनी जल्दी उसको उपयोग करना है। फिर बाबू जी महाराज ने कहा कि सहज मार्ग सिस्टम ये कोई सिस्टम नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं है, सिर्फ वे ऑफ लिविंग। इसमें मैंने ध्यान करने को ये कहा है कि ये ध्यान करो, तो उसमें आप एक शिकायत करते हैं कि ध्यान के बस विचार बताते, उसके लिए भी बड़ा अच्छा है। वो कहते विचार तो आएंगे, जैसे कि तुम मुझे अंदर लेके फिर भूल जाते हो, विचार में बैठ जाते हो। कहते जब तुमने संकल्प किया कि डिवाइन इज यू, मान लीजिए बाबूजी महाराज हमारे अंदर, हम आँख बंद करके जितना भी प्यार से, जितना भी अटैच होके हम उनके ध्यान में लय होने की कोशिश करेंगे उतना ही विचार देंगे। लेकिन अगर इतने में कोई विचार आता है, आप विचार पर विचार करते चले आते हैं, उससे बेहतर विचार आया तो आप अपना संकल्प लो। हम तो ध्यान में बैठे, हमारे साथ बाबूजी महाराज हैं, मेरे प्यारे हैं, मेरे अंदर बैठे हैं, हम इनको कैसे छोड़ के, कोई सोच नहीं सकते, कोई दूसरा विचार नहीं आ सकता, विचार सात दिन में गायब हो जाते हैं। आप विचार की शिकायत करते हैं, लेकिन दूसरी अगर आप देखिए तो विचार बेचारे आपसे शिकायत कर सकते हैं कि ये हम तो इनके ही बनाए, ये हमसे फिर तो मिलते। विचार कहाँ से आते, विचार तो आपके ही बनाए हैं जो जमा है। जब आप डिविनिटी का विचार लेते तो छोड़ रहे हो आपको, तो उसमें क्यों आप जाते हो? इसलिए वे ऑफ लिविंग को बदलने की कोशिश है, और ये मस्ट है, और अपने आप होता है। चाहे मार सिस्टम कहते हैं ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें अपने आप सहज ही एक नेचुरल वे में आप बनते जाएंगे अगर आपने सहज मार सिस्टम को सच्चाई से फॉलो करा है, जैसा उसमें कहा है बाबू जी। ऐसे एक बार बाबू महाराज को मैं दिखा कि बाबू महाराज लोग तो इतनी गुस्सा करते हैं, हमें तो सिर्फ एक बार गुस्सा आई जरा सी देर को, तो ये लगा कि जाने हमारे अंदर क्या हो गया, सिस्टम सारा ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल तहस नहस हो गया, और हमें इतनी बेचैनी कि कैसे भी वही चीज़, वही बैलेंस, वही चीज़ हमारे अंदर आए। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि फिर जहाँ पर गुस्सा आने को एकदम मन भागने लगा, डरने लगा, नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ जो आनंद है वो दिया हुई सब आपके मन में इतना फियर पैदा हो जाएगा कि आप कर ही नहीं सकते जो आपकी कंडीशन को डिस्टर्ब कर। इसलिए सबसे पहले लक्ष्य बाबूजी महाराज ने दिया है, एक तो उन्होंने कहा है कि केवल और रियलाइजेशन ही नहीं, इससे परे भी हमारा लक्ष्य अंतिम सत्य तक चलने का। जबकि आज तक किसी भी उसने अल्टीमेट क्या उसका तो वो भी नहीं करा, किसी ने कोई राह नहीं बनी अब तक, किसी ने कोई सेंट्रल रीजन नहीं बनाया, किसी ने कोई उसके लिए वो नहीं बनाया, कोई भी शक्ति नहीं। अब बाबू जी महाराज अब शक्ति दे के आए, शक्ति और समय आपके पास है। बाबू जी ने कहा अगर 10 मिनट भी बाकी है लाइफ टाइम के 10 मिनट, लेकिन वो 10 मिनट इतने विलय हो जाओगे जब मरो तब 10 मिनट खत्म हो, फिर देखिए आप। इसलिए जो करना है लयनीय होगी, जब घर के काम करें तो मन घर के काम के लिए हमेशा माइंड है, दो चीजें बाबू ने दी है, कहते हैं अधोमुखी मन मुखी,
ऊर्ध्वमुखी सो जाता है, उसकी वृत्ति सो जाती है जब आप उसको उससे कोई काम नहीं देते, उसे डिवाइन की खोज नहीं करते, उसे बाबूजी महाराज की शक्ति में विलीन नहीं करते, तो सो ही रहती। जब हम फिर से जागते हैं तो हमारा दिमाग काम भी करता है लेकिन आंतरिक दृष्टि जब हमारे अंदर निभा जाती तो लगता है कि बाबूजी से बिल्कुल अटैच हुई जैसे लक्ष्मी। और वो आनंद इतना होता है कि बार बार फिर हम काम करते हुए भी बार बार उधर ही दृष्टि आती जहाँ हमें आनंद मिलता। वे ऑफ लिविंग अभ्यासी का ऐसा ही होना चाहिए। दूसरे फिर से दूसरे के आपने सहज मार्ग सिस्टम को ज्वाइन करा है, श्री रामचंद्र संस्था के नियम को अपनाया है और बाबूजी महाराज ने साधक का कोई नाम दिया है सिर्फ अभ्यासी, कहते अब हमने अभ्यास करना शुरू कर दिया। लेकिन आपने अभ्यास करा लेकिन क्या अभ्यासी आप बन पाए? बाबूजी महाराज ने क्यों कहा कि अब संख्या तो हजारों की है लेकिन अभ्यासी कुली में भी नहीं, क्यों कहा? बाबूजी महापुरुष का जो भी सेम होता है उसके पीछे कोई ना कोई मीनिंग होता है। जब किताब लिखने लगे तब हमें मीनिंग मालूम हुआ, कहते हैं कि हमको ये ध्यान रखने के लिए दिया गया डिवाइन इज इन यू। हम कोशिश करते हैं बार बार भूल जाते हैं, बार बार रोग होता है, लेकिन जिस दिन अभ्यासी कहते हैं अब वैसा हमें भासने लगा है जैसा आपने कहा है ईश्वर तुम्हारे अंदर है, डिवाइन तुम्हारे अंदर है, बाबू जी हमारे अंदर है, वो हमें लगने लगा है अपने आप ही बिना ध्यान के भी बिना बैठे भी हमें वो भासने लगा है, तब आप अभ्यासी की श्रेणी में आते हैं। अभ्यासी बनने के प्रयास में ही रह जाते, अभ्यासी बनने का टाइम लाओ। जब अभ्यासी बनने का टाइम आता है तब हमारी चाल होती रखता है उसको भी पकड़। तो सिर्फ ये समझ लेना कि संस्था के नियम में हमने करा तो हमने इसमें एंट्रेंस पाया, एक स्पिरिचुअल संस्था इसके नियम आपको इसमें दिए गए हैं लेकिन हर शब्द का एक मीनिंग है जो कंडीशन पर डिपेंड करता है। इससे बाबूजी महाराज की जो श्री रामचंद्र मिशन जो हमारे सहज मार्ग सिस्टम ये हर एक कंडीशन पर बेस है, इसे अपने लिविंग को एक स्पिरिचुअलिटी उससे ढालने की कोशिश करिए, चाहे घर के व्यवहार में है, घर के काम में है, ऑफिस के काम में है, कुछ भी है, अपने को जीवन को ढालने की कोशिश जब तक नहीं तब तक कोई फर्क नहीं। दूसरे बाबूजी महाराज ने कहा, एक ने कहा कि बाबूजी महाराज आप तो इतनी बड़ी शक्ति लेके आए हो हमें आप सेंट्रल रीजन में पहुँचा दो, गाय को इतना रगड़े हम शुरू से लेके गाय को चले एकदम पहुँचा दो। बाबूजी भाई ये तो नेटिव का हम पहुँचा दे सकते हैं लेकिन वहाँ के रूल्स रेगुलेशन है, अगर आपने फॉलो ना कर दिया मैंने तो पहुँचा दिया वो तुरंत भेज देगा कि तुम इसे आगे नहीं होता, मेरी तो कोई कमी नहीं होगी क्योंकि मैंने मुझसे तुमने कहा मैंने पहुँचा दिया तो हम तुम्हारी इतना कह ना सके। इसलिए अगर कामना ऊपर की तो रहनी भी अगर कामना बाबूजी महाराज की खुशी की है तो उनकी खुशी के मुताबिक अपने को धार के अपने को बना के दिखाना। आप कहते गुरु के लिए तो सर्वस्तर करने के लिए तैयार है, अगर उन्होंने गुरु अपने को नहीं बनाया अपने को माँ बनाया अपने को आपका केस अपने को आपके समर्पित कराया तो क्या हमारा भी तो ये फर्ज बनता है कि वो जैसा चाहते हैं वैसा मन के भी तो दिखाए, हम उनके होके भी तो दिखाए। तो गुरु के उसको तो हम मानते हैं क्योंकि गुरु शब्द का हमें अब तक आदर है लेकिन अपनायत का आदर गुरु में अपनायत नहीं होती क्योंकि वो गुरु है उसका एक आसन है लेकिन ये तो व्रत ही है, ये तो अपने ही में मिल के आए हमारे ही लिए आए। इसलिए आप देखिए इसका एक उन्होंने प्रूफ भी दिया है, कितने गुरु के पास आप जाइए आपकी ये हिम्मत नहीं होगी उनके बराबर बैठ जाए, आपकी ये हिम्मत नहीं होगी दंडवत करके बिना बैठ जाए, और बाबूजी के पास सब लोग बाबूजी
अपने बैठे आराम से चाहे जैसी बात कर लो, ना डर ना भय ना कुछ, कोई यही नहीं जगह की कोई बड़े पर्सनैलिटी। आज हमको कभी कभी अफसोस आता भी गया कि बाबूजी महाराज हमारे यहाँ कितना है, कितने फूल लगे, कितने फल लगे, और किसी को एक बात ध्यान नहीं आया कि एक फूल या एक फल तो इनको दे दे। बाबू जी आए, चलो भाग चले, बाबू जी के साथ चलना, मास्टर साहब के यहाँ ठहरे, सबको चलना, कोई अपना सामान ठीक करे, कोई ये भी नहीं कहता बाबू जी बाबा ठाट पर इस पर बैठ जाओ। आज हमें लगता हम लोगों ने क्या करा उनके लिए, और कुछ ना करने पे वो कितने खुश हुए, कितने खुश हो गए, क्यों खुश हो गए, ये आज तक नहीं होता। बस जो अपना एक का एक भाव लेके आए, जिसने अपने को इतने ऊंचे से लाए कि एक मानव के स्तर पे आपसे मिलना चाहता है, आपसे अटैच होकर रहना चाहता है, हमारा सौभाग्य। गुरु बन गया था तो आपको इतनी अपनाइट कभी नहीं मिलती। आज आपके कोई दोस्त नहीं, किसी तरफ की वो नहीं, बस वो चाहते आप जो उन्होंने साधना बताई है उसको ढंग से करें। एक बार मास्टर ईश्वर सहाय ने कहा, बाबू जी महाराज आप हमें कोई कमी नहीं बताते, आप अगर हमारी कोई कमी बताएं तो वो हम दूर करने की कोशिश करें। तो उन्होंने कहा मुझे लाला साहब ने यह हुक्म नहीं दिया कि तुम जाके सबकी कमियां देखो, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी चीज तुम्हें अच्छी है उसको लेके मैं तुम्हें नीचे चलू, इतना टाइम वेस्ट करने के लिए मेरे पास नहीं। इसीलिए आज हम ये नहीं कि हम अपनी बुराई को दूर करते हुए बुराई पे मनन ना करें कि हमें ये है, हमें ये, हमें ये, या किसी में ये, बस अपने ऊंचा उतार अपनी रहनी में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हुए, अपनी रहनी में उनकी याद को जोड़ते हुए, उनकी अपनाहट को जोड़ते हुए, उनके प्यार में डूबे हुए आप चले, तब सहनार सिस्टम को आप फॉलो कर सकते हैं, तब आप सहनार सिस्टम के बारे में जानेंगे, नहीं तो जान ही नहीं सकते।